हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस को। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे स्लीक स्लाइडर फेड इफेक्ट। अभी तक हमने जो स्लीक स्लाइडर लगाया उसमें क्या है, आइटम्स वन बाय वन मूव होते हैं। मैं चाहता हूं इसमें फेड इन फेड आउट हो, मूव ना हो आइटम। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक वर्ड एड ऑन करना है आपको अपने स्क्रिप्ट में। देखो, इस तरीके का इफेक्ट हम चाहते हैं। तो मेरे दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास। देखो, अगर आपने बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखे स्लीक स्लाइडर की, आपको सिर्फ ये लिखना है फेड ट्रू। देखो, इसको मैं हटाता हूं अगर फेड ट्रू को, तो मेरा स्लीक स्लाइडर जो है मूव करता है। अगर मैं इसको लगा लेता हूं तो देखो ये फेड इफेक्ट के तरीके से काम करेगा। तो ये आपको सिंपल ये फेड ट्रू ऐड करना है अपने स्क्रिप्ट में, तो इससे आप फेड इफेक्ट का यूज कर पाओगे। अगर आपकी स्क्रिप्ट ज्यादा है, मतलब ये रिस्पॉन्सिव इनफाइनाइट काफी स्क्रिप्ट लिखी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस फेड ट्रू को कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, फर्स्ट में भी ऐड कर सकते हो, डॉट्स टू से पहले, और कहीं पे भी रिस्पॉन्सिव से पहले होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव के अंदर यूज नहीं करना, रिस्पॉन्सिव से पहले आपको लिखना है फेड ट्रू। और ये ध्यान रखना, देखो जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोमा का जरूर ध्यान रखना, अगर आपके कोमा नहीं लगाते तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फेड ट्रू जब आप लिख रहे हो, अगर उसके जस्ट बाद कुछ है तो आप कोमा लगा दो। ये है हमारा फेड इफेक्ट यूज करने का तरीका। अगर आपको स्लीक स्लाइडर लगाना नहीं आता, एकदम आप बिगनर हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जाकर कि हाउ टू यूज स्लीक स्लाइडर। पहले आप उस वीडियो को देखें, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फेड इफेक्ट कैसे लगाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपके लिए काम आई हो, आपने इससे कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। थैंक यू।